बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल है इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ ए ओ फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एम, जब एक लाइट जो ए ओ है ये मिरर एम की सरफेस के ऊपर पड़ती है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ ओ बी, तो ये पाथ ओ बी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। द रे ए ओ इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, जो रे ए ओ है इसको हम लोग इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। वाइल द रे ओ बी इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, जो रे ओ बी होती है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एक रे का नाम देते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ए ओ एंड द नॉर्मल एन, जो ए ओ वाली रे है और नॉर्मल एन कहते हैं कि जो हमारे पास सरफेस होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उसको नॉर्मल एन का नाम दिया जाता है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ए ओ और नॉर्मल एन के दरमियान का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ए ओ एन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट्स का नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई, और इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ओ बी के दरमियान एन ओ बी बनेगा, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं और इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सर्फेस के ऊपर पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, तो इसका कुछ पार्ट जो है उसका जो पार्ट होता है उस रे का वो वापस पहले मीडियम में आ जाए तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। तो इसके लॉज हैं, टू लॉज हैं। नंबर वन, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है इन सबको एक प्लेन के ऊपर लाई करना होता है। जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एक ही पॉइंट पर है, एक ही प्लेन पर है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, तो जितना एंगल यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना एंगल ही यहाँ पे है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, अ स्मूथ सरफेस ऑफ सिल्वर रिफ्लेक्ट्स रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली, तो यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस नजर आ रही है तो यहाँ पे लाइट पड़ती है तो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। द रिफ्लेक्शन बाय दीज स्मूथ सर्फेसिस कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये जो स्मूथ सर्फेसिस होती हैं यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होती है इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, द रफ सर्फेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन मैनी डायरेक्शन, जो यहाँ पे रफ सर्फेसिस हैं इस ऑब्जेक्ट की तो यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज अ पार्ट ऑफ होलोस इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, कहता है कि एक मिरर जिसकी पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो होती है वो एक होलोस्फीयर ग्लास के होलोस्फीयर या प्लास्टिक के बने हुए होलोस्फीयर का पार्ट हो उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर का नाम देते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व्ड सर्फेसिस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर, स्फेरिकल मिरर में जो इसकी कर्व्ड सर्फेसिस होती हैं उसकी एक साइड जो होती है एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर के साथ कोट की जाती है, फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट, और रेड लेड ऑक्साइड पेंट के साथ कोट किया जाता है। सो वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक, एक साइड जो होती है स्फेरिकल मिरर की वो ओपेक होती है, शफाफ होती है, एंड अदर साइड इज हाईली पॉलिश्ड, और एक साइड जो होती है हाईली पॉलिश होती है जिसकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाती है। उसके बाद दो टाइप्स हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर की टू टाइप्स हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सर्फेस इज रिफ्लेक्टिंग, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर कर्व्ड सर्फेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम लोग कनकेव मिरर का नाम देंगे। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर में जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। बोथ विर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्मड बाय अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से विर्चुअल और रियल इमेजेस बनती हैं। कन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सर्फेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, एक स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर कर्व सर्फेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको कन्वेक्स मिरर का नाम देते हैं। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होता है। ओनली विर्चुअल एंड रियल इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से एक विर्चुअल गैर हकीकी और सीधी इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में ये नज़र आ रहा है आप लोगों को डिफरेंस, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है।
ये इसकी आउटर सरफेस जो है पॉलिश की हुई है, और यहाँ पे इसकी कन्वेक्स मिरर की इनर सरफेस जो है वो पॉलिश की हुई है, सॉरी उल्ट कह गया मैं, कनकेव मिरर में जो होता है इनर कर्व सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। हाँ जी, तो यहाँ सही कहा था मैंने भी पहले, मैंने बात कर दी है उसके लिहाज से, उसकी सरफेस के लिहाज से, पॉली सरफेस के लिहाज से, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिहाज से बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। पोल किसे कहते हैं? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल का नाम देते हैं, और इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। सेंट्रल कर्वेचर किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। एक स्फेरिकल मिरर जो स्फीयर का पार्ट है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड अ सेंट्रल कर्वेचर। इसका जो सेंटर होता है इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। यहाँ पे जो ये पोल कहते हैं कि कर्व सरफेस का मिड पॉइंट, ये कर्व सरफेस है, ये एक हमारे पास मिरर है, इसकी कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको पोल का नाम देते हैं, और उसको जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, पूरा एक सर्कल कर देते हैं, पूरा एक स्फीयर बना देते हैं, तो इसका जो सेंटर बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो कहते हैं कि ये एक स्फीयर का रेडियस, इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फेरिकल का रेडियस होता है, ऑफ विच जिसका स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, स्फेरिकल मिरर पार्ट होता है, हिस्सा होता है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? इट इज़ अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये एक लाइन होती है जो कि पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। ये लाइन नज़र आ रही है आपको। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट टू अ पॉइंट एफ। जो लाइट रेज होती हैं वो एक पॉइंट एफ पर मिल जाती हैं। कनकेव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि रेज असल में इस पॉइंट से पास कर रही होती है, इस वजह से इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर का नाम देते हैं। इट इज़ कॉल्ड रियल फोकस, इसको रियल फोकस का नाम देते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये कन्वर्ज हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसको प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। कन्वेक्स मिरर, इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ, वो पॉइंट एफ से आती हुई मालूम होती हैं, पास नहीं कर रही होती, मालूम होती हैं। सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, जो कि मिरर के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। इन अदर वर्ड्स, रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। असल में हम लोगों को ये नज़र आ रहा होता है कि ये जो लाइट, ये जो रेज होती हैं ये पॉइंट एफ से डाइवर्ज हो रही होती हैं, मिल नहीं रही होती, बल्कि निकल रही होती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये पॉइंट जो होता है प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। कन्वेक्स मिरर्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर्स का नाम देते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ वर्चुअल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स मिरर का वो एक वर्चुअल फोकस होता है, बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग रेज, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती हैं डू नॉट एक्चुअली पास, वो असल में पास नहीं कर रही होती थ्रू इट इसमें से, बट अपीयर टू डू सो, लेकिन पास करती हुई मालूम नजर आती हैं। उसके बाद फोकल लेंथ, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ का नाम देते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ है, ये पोल है सेंटर पॉइंट और ये प्रिंसिपल फोकस है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ है। द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस इन डिस्क ऑफ कर्वेचर बाय एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। दिस मीन्स दैट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ये बता रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे कम होगा सो टू इज द फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिव सर्फेस, तो फोकल लेंथ भी जो होगी रिफ्लेक्टिव सर्फेस की वो भी कम होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कन्वेक्स मिरर, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, फोकस जो होता है वो मिरर के पीछे बनता है। द फोकस इज वर्चुअल, फोकस वर्चुअल होता है। द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, जैसे कि जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें आती हुई मालूम होती हैं, बल्कि आती नहीं है, सिर्फ मालूम होती हैं आती हुई। कनकेव मिरर, द फोकस इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, फोकस जो होता है वो मिरर के फ्रंट पे होता है। द फोकस इज रियल, फोकस रियल होता है। एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, जैसे कि रेज जो होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं फोकस पर। स्फेरिकल मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी, इमेज डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द मिरर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो वी कैन राइट मिरर फार्मूला एज 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। साइन कन्वेंशंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी होगा और इसका आंसर अगर पॉजिटिव साइन होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा,
नेगेटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इवन दिस इज क्यूब। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो रियल इमेज होगा, नेगेटिव साइन होगा तो वर्चुअल इमेज होगा। ओवरलैप, अगर पॉजिटिव साइन होगा कनकेव मिरर, नेगेटिव साइन होगा तो कन्वेक्स मिरर होगा।